गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, दिस इज़ अवर इंग्लिश बुक रियल इंग्लिश अ मल्टी स्किल लैंग्वेज कोर्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर सिक्स व्हाट द बर्ड सेड डिस्कस कर रहे थे और हमने इसका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन और वोकैबुलरी सेक्शन डिस्कस कर लिया था, है ना। तो मैंने आपको बोला था ये फ्रेजल वर्ब्स जो थी आपको ये राइट करनी थी और साथ में लर्न भी करनी थी। आई होप आपने अच्छे से काम किया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामर सेक्शन। सो लेट्स रीड आउट इट क्विकली। रीड द पैसेज बिलो अबाउट मेकिंग मूवीज। तो मूवीज बनाने के बारे में ये पैसेज दिया गया है। आई लव मेकिंग मूवीज, मुझे मूवीज बनाना अच्छा लगता है। देयर आर सो मैनी थिंग्स एंड इश्यूज दैट कैन बी कवर्ड इन मूवीज। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे मुद्दे होते हैं कि जिनको मूवीज में कवर किया जा सके। आई फाइंड इट अमेजिंग हाउ आई कैन शो टू द वर्ल्ड थ्रू मूवीज द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो मुझे ये बहुत अमेजिंग यानी कि अचंभे में डाल देने वाला, अचंभित करने वाला लगता है कि कैसे हम दिखा सकते हैं पूरे वर्ल्ड के इश्यूज को दिखा सकते हैं यहाँ पे और लोगों को अलग अलग कंट्रीज में लोगों की लाइफ कैसी है ये शो कर सकते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन शोइंग मूवी इन शोइंग हाउ द वे पीपल स्ट्रगल टू सर्वाइव इज सिमिलर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बोलता है कि आई एम इंटरेस्टेड, मैं उत्साहित हूँ या ये काम करना चाहता हूँ, जो काम मुझे करना अच्छा लगता है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, कि मैं ये काम करने में खुश हूँ। क्या काम करने में? इन शोइंग हाउ द वे पीपल स्ट्रगल टू सर्वाइव, कि किस तरीके से लोग सर्वाइव करते हैं, जद्दोजहद करते हैं इन इज सिमिलर अक्रॉस द वर्ल्ड, वो कैसे एक जैसी ही है पूरी दुनिया में। जैसे यहाँ के लोग मान लो गरीबी से सफ़र कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गरीबी है हर जगह के लोग कुछ इसी तरीके से सर्वाइव करते हैं, इसी तरह से स्ट्रगल करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन कलर एंड नेशनैलिटी। तो इस चीज़ का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वो कौन से धर्म के हैं या उनका रंग कैसा है या वो किस देश से बिलोंग करते हैं। फिर भी अगर जो सोशल इश्यूज हैं, कोई मुद्दे हैं, तो वो ऐसे ही उनकी तरफ उनको ऐसे ही स्ट्रगल करना पड़ता है। इट इज़ अ ग्रेटिफाइंग फीलिंग इफ़ आई कैन कनेक्ट विद पीपल थ्रू मूवीज। तो ये एक बहुत ही थैंकफुल होता है, ग्रेटिफाइड मतलब मुझे बहुत खुशी देने वाला, बहुत अच्छी फीलिंग होती है अगर आई कैन कनेक्ट विद पीपल, अगर मैं लोगों के साथ जुड़ पाऊँगा थ्रू मूवीज। मूवीज शो डिफरेंट ह्यूमन इमोशन एंड लाइफ इन जनरल। तो मूवी क्या दिखाती हैं? ह्यूमन के इमोशन कि कितने वैरायटी है ह्यूमन के इमोशन में। कभी हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, है ना। तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं, कभी हम डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, तो बहुत वैरायटी है इमोशंस की। तो मूवीज़ के थ्रू हम डिफरेंट इमोशन दिखा सकते हैं ह्यूमन के एंड लाइफ इन जनरल, और नॉर्मली किस तरीके से लोग सब लीव करते हैं वो भी हम दिखा सकते हैं। आई लाइक टू शो हाउ पीपल कैन फील लव्ड, स्केयर्ड, एक्साइटेड एंड सैडन इन द कोर्स ऑफ वॉचिंग अ मूवी। मैं दिखाना पसंद करूँगा कि कैसे लोग फील करते हैं प्यार, डर, बहुत ही खुशी, एक्साइटेड हो जाना या दुख, एक मूवी देखते टाइम कैसे ये सभी फेजों से वो गुजरते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हु कैन गिव अ कन्विंसिंग एंड डेडिकेटेड परफॉर्मेंस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस को ढूंढा जाए जो कि रोल को एक कन्विंसिंग मतलब कन्विंस करना, मना सके, ठीक से जस्टिफाई कर सके और डेडिकेटेड परफॉर्मेंस दे, मतलब कि पूरी अपने जी जान उसमें लगा दे।
आई अवॉइड मेकिंग मूवीज दैट आर कन्फ्यूजिंग. मैं ऐसी मूवी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा या कोशिश करूंगा कि ना बनाऊं जो कि कन्फ्यूजिंग हो. कन्फ्यूज कर देने वाला का होता है मतलब कि जो आपको सस्पेंस में रखे, आपको कुछ समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, एंड लीव द ऑडियंस कन्फ्यूज अबाउट द स्टोरी लाइन. और ऑडियंस होते हैं दर्शक, कि दर्शक यही चीज सोचते रह जाएं कि स्टोरी क्या थी इसकी, है ना. तो कुछ मूवीज ऐसी होती है जिनमें आप सोचते रहो कि मैंने ये देखी ही क्यों, पता नहीं इसके अंदर क्या था. तो ऐसी मूवी वो नहीं बनाना चाहता. द वर्ड्स इन इटैलिक्स डिस्क्राइब, तो जो वर्ड्स इटैलिक्स में हैं जैसे कि अमेजिंग, इंटरेस्टेड, ग्रेटिफाइंग, लव्ड, स्केयर्ड, एक्साइटेड, सैडन, कन्वेंसिंग, डेडिकेटेड, देन कन्फ्यूजिंग, कन्फ्यूज्ड, तो ये कुछ इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं. और गिवन गिव अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, तो ये वर्ड्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, एडिशनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसके बारे में, अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, किसी आदमी या किसी वस्तु के बारे में. दे आर एडजेक्टिव्स, तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम होता है वो किसका होता है, एडजेक्टिव का. बट द एडजेक्टिव्स यूज्ड हियर एंड विद ईडी और आईएनजी, पर यहाँ जो एडजेक्टिव यूज हुए हैं वो ईडी या आईएनजी के साथ एंड हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, जैसे कि आईएनजी अमेजिंग, इंटरेस्टेड ईडी, तो इस तरीके से वो खत्म हो रहे हैं. दीज वर्ब्स लाइक एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, तो ये जो वर्ब जैसे एडजेक्टिव है इनको क्या कहते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है. द पास्ट पार्टिसिपल और द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इज अ पार्टिसिपल एडजेक्टिव, तो पास्ट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी वर्ब का जब एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है तो उसे हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलते हैं. नोट दैट पास्ट पार्टिसिपल्स नॉट एंडिंग ईडी ऑल्सो मेक्स एडजेक्टिव ब्रोकन विंडो, तो ये बात नोट करेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल जो कि ईडी से एंड नहीं हो रहे वो भी एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है. इन द अबव पैसेज ऑल द ईडी एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब हाउ समवन फील्स, तो जितने भी ईडी एडजेक्टिव हैं जैसे इंटरेस्टेड, लव्ड, स्केयर्ड, एक्साइटेड, तो ये जो एडजेक्टिव हैं जो कि ईडी से खत्म हो रहे हैं ये क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि कोई आदमी कैसा फील करता है, हाउ समवन फील्स इसके बारे में बता रहे हैं. द आई एन जी एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब हाउ समथिंग मेक्स अस फील, और जो आई एन जी वाले एडजेक्टिव है जैसे अमेजिंग, ग्रेटिफाइंग, देन कन्फ्यूजिंग, कन्वेंसिंग, तो ये जो आई एन जी वाले एडजेक्टिव हैं ये हमें क्या बता रहे हैं, हाउ समथिंग मेक्स अस फील, कि कोई चीज़ हमें हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालती है, हम उसके कारण कैसा फील करते हैं. ED forms are also used to describe a pattern or a completed state of something. ED form क्या और क्या दिखा रही है, किस लिए यूज हुई है, डिस्क्राइब करने के लिए एक तरीके को या एक completed state of something, कि कोई चीज़ complete कैसे हो रही है, उसका process दिखाने के लिए कि वो पूरी हो चुकी है, ठीक है ना, कैसे वो पूरी हुई है. We saw a spotted deer in the park, हमने एक स्पॉटेड डियर देखा. स्पॉटेड का मतलब क्या हुआ, एक पैटर्न हुआ उसकी बॉडी का, है ना, कि उसकी स्किन कैसी है, स्पॉटेड है. द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ फॉलन ट्रीज, तो फॉरेस्ट जंगल कैसे गिरे हुए पेड़ों से फुल है, फॉलन ट्रीज से भरा हुआ है. द ट्रीज आर ब्रोकन, तो पेड़ टूटे हुए हैं. दे हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग, वो अब बढ़ना छोड़ चुके हैं, मतलब अब वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये उसका पैटर्न दिखा रहा है. आई एन जी फॉर्म्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब व्हाट समथिंग समवन डज और अ कंटिन्यूटी कंटिन्यूइंग एक्टिविटी. आई एन जी फॉर्म कैन बी यूज, कब यूज की जाती है, टू डिस्क्राइब ये बताने के लिए व्हाट समथिंग और समवन डज, किसी ने क्या काम किया, किसी ने या किसी चीज़ ने क्या काम किया, और आ कंटिन्यूइंग एक्टिविटी या कोई
एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही है, निरंतर चल रही है, उसके बारे में भी आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब बताती हैं। जैसे पीटर इज स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, तो पीटर एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है। पीटर इज स्ट्रगलिंग टू सक्सीड इन आर्ट, तो वो आर्ट में सक्सीड करना चाहता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ फूड, तो ग्रोइंग बढ़ते हुए बच्चों को बहुत सारे भोजन की जरूरत होती है। चिल्ड्रन आर स्टिल ग्रोइंग, तो इसका मतलब ये भी तो एक कंटिन्यूटी है कि वो अभी भी बढ़ रहे हैं, वो अभी भी सक्सेस के लिए मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक, चूज द करेक्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। श्याम वॉज सच अ डल स्पीकर, आई वॉज डैश, तो वॉज पास्ट टेंस है, तो क्या आएगा, बोर्ड। श्याम इतना डल स्पीकर है, इतना बुरी तरीके से बोलता है कि मुझे तो बहुत बोर फील हुआ है ना। आई वॉज बोर्ड, मैं बोर हो गया, BORED। ठीक है, मोस्ट हॉरर मूवीज आर डैश, तो ज्यादातर जो हॉरर मूवीज होती हैं वो डिसअपॉइंटेड होती हैं या डिसअपॉइंटिंग होती हैं। आर है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, डिसअपॉइंटिंग, DISAPPOINTING, डिसअपॉइंटिंग। नेक्स्ट, रीता इज वेरी डैश अबाउट द न्यूज, तो रीता इज वेरी डैश अबाउट द न्यूज, बहुत ज्यादा वो क्या है, एक्साइटिंग है या एक्साइटेड है, तो एक्साइटेड है, उत्तेजित है, सॉरी EXCITED, एक्साइटेड। नेक्स्ट, दैट फायरप्लेस प्रोड्यूसेस अ वेरी डैश इफेक्ट, तो दैट फायरप्लेस, वो फायरप्लेस क्या होता है, जहाँ आग लगती है, ठीक है, प्रोड्यूस अ वेरी डैश इफेक्ट, काम या कॉमिंग, कामिंग इफेक्ट, कैसा इफेक्ट देती है वो, कामिंग, CALMING, मतलब जो वो गर्म जगह है, फायर प्लेस है, अंगीठी है, वो बहुत शांत है, आरामदायक है। नोबडी लाइक्स वॉचिंग डैश मूवीज, डिप्रेस या डिप्रेसिंग, तो डिप्रेसिंग आ जाएगा, प्रेजेंट में है, DEPRESING, डिप्रेसिंग मूवीज। आई वॉज डैश आफ्टर माई जॉग, तो क्या आ जाएगा, वॉज के साथ एग्जॉस्टेड आएगा, है ना, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड, मैं बहुत जॉगिंग के बाद बहुत थक गया। राम इज अ वेरी प्राउड बॉय, हिज बिहेवियर इज वेरी डैश, तो राम बहुत घमंडी बच्चा है और उसका बिहेवियर इज वेरी अनोइंग, अनोइंग या एनॉयड, परेशान करने वाला होता है, एनॉय, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा इस प्रेजेंट में, एनोइंग आ जाएगा, ANNOYING, एनॉइंग। नेक्स्ट, आई लव टॉम एंड जेरी कार्टून, तो मुझे टॉम एंड जेरी कार्टून पसंद है। आई फाइंड देम डैश, तो आई फाइंड देम, मुझे वो बहुत एंटरटेन लगे या एंटरटेनिंग लगे, तो अभी भी लग रहे हैं, है ना, तो क्या आ जाएगा, एंटरटेनिंग, ENTERTAINING, एंटरटेनिंग। नेक्स्ट, आई फील डैश वाइल सिटिंग इन एन एसी रूम, रिलैक्सिंग या रिलैक्स, तो जब मैं एसी वाले रूम में बैठा होता हूँ तो मुझे बहुत आरामदायक फील होता है, अच्छा लगता है ना। आई फील, कैसा फील हुआ उसे, रिलैक्सिंग या रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड है ना, फील कर चुका है, जब वो एसी वाले कमरे में बैठा था तो वो बहुत रिलैक्स फील कर रहा था, RELAXED, ठीक है। नेक्स्ट, यूज द करेक्ट एडवर्बियल फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट इज टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, द टीचर शुड यूज मेथड डैश मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो बच्चों में उत्साह बढ़ाने के लिए या उन्हें अच्छा लगे इसके लिए टीचर को क्या, कैसा मेथड यूज करना चाहिए पढ़ाने का,
इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मेथड चूज करना चाहिए, है ना। तो आई एन टी ई आर ई एस टी आई एन जी, इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट, आफ्टर द एक्सीडेंट ही हैड अ डैश आर्म, तो ब्रेक का क्या हो जाएगा, ब्रोकन। एक्सीडेंट के बाद उसकी उस ही हैड उसकी आर्म टूट गई, तो ब्रोकन, बी आर ओ के ई एन, ब्रोकन। नेक्स्ट, द डैश न्यूज वॉज दैट नोबडी न्यू ऑफ द एक्सीडेंट। सरप्राइजिंग न्यूज क्या थी कि किसी को भी नहीं पता था एक्सीडेंट के बारे में, तो क्या हो जाएगा, सरप्राइजिंग, एस यू आर पी आर आई एस आई एन जी, सरप्राइजिंग न्यूज। आई लव लुकिंग एट द डैश स्टार्स, तो शूट, टूटा हुआ तारे को हम बोलते हैं शूट स्टार या शूटिंग स्टार, टूटता हुआ, वो कंटिन्यूएशन में होगा तो शूटिंग, एस एच डबल ओ टी आई एन जी, शूटिंग स्टार। नेक्स्ट, द डैश एक्टर डिड नॉट नो व्हाट टू से टू द न्यूज रिपोर्टर, शॉक, तो शॉक्ड आ जाएगा कि जो शॉक्ड एक्टर था उसको नहीं पता था कि क्या कहना है न्यूज रिपोर्टर को, तो एस एच ओ सी के ई डी, शॉक्ड। नेक्स्ट, द डैश लीव्स लिटर द गार्डन, लिटर होता है फैल देना, गंदा कर देना, तो फॉलन आ जाएगा, एफ ए डबल एल ई एन, फॉलन लीव्स लिटर्ड द गार्डन, गिर टूटी हुई पत्तियां गार्डन में बिखरी हुई थी। द डैश वेजिटेबल्स आर इन द फ्रीजर, तो फ्रीज का क्या हो जाएगा, फ्रोजन, है ना, फर्स्ट टेंस में एफ आर ओ जेड ई एन, द फ्रोजन वेजिटेबल्स आर इन द फ्रीजर। नेक्स्ट, आई लाइक मेल्ट चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट या मेल्टिंग चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट आ जाएगा, एम ई एल टी ई डी, मुझे पिघली हुई चॉकलेट अच्छी लगती है। तो ये हुआ आपका सी टू सेक्शन भी कंप्लीट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेक्शन आपको नहीं करना है, क्लियर है। तो ये लगा लीजिए कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर सॉरी पोयम नंबर 7 द रावण एंड द फॉक्स, तो ये जो स्टोरी है ये आप सभी ने सुनी होगी। रावण एक पक्षी होता है जो कि स्कैवेंजर होता है, स्कैवेंजर नेचर का होता है, तो हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, जो डेड एंड डिकिंग एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, है ना। तो ये रावण एक स्कैवेंजर है, एंड द फॉक्स और एक फॉक्स होती है, तो इन दोनों की स्टोरी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।